अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीएन टीवी एनी टाइम न्यूज। कोविड-19 में अब तक क्या क्या हो चुका और क्या होना बाकी था और क्या बाकी हो चुका, क्योंकि कोविड-19 में हिंदू मुस्लिम होना था, हिंदू मुस्लिम हो चुका, फिर उसके बाद सर्दी खांसी बुखार आए तो आपको कोविड हो गया, इजरा इल्जाम आयात करने लगे। इस तरह कोविड में हर किस्म का पहलू उतार चढ़ाव हमको देखने में आया। अगर कुछ देखने में नहीं आया तो सिर्फ एक चीज थी, डेड बॉडीज का गायब होना, क्योंकि अब वो भी हो चुका है। गांधी हॉस्पिटल से डेड बॉडी गायब हो चुकी है, कहां चले गई, इसका जिम्मेदार कौन, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है या हमारी सरकार है या फिर उसकी कुछ और ही वजह है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम आमिर है, मैं मुरादनगर आसिफ नगर से रहने वाला हूँ। आज सुबह 10 जून को मेरे भाई राशिद अली ख़ान का गांधी हॉस्पिटल में इंतकाल हो चुका है, जो कि ज़ेरे इलाज थे मेडिक्योर हॉस्पिटल में। लंग्स इन्फेक्शन की शिकायत से इन्हें मेडिक्योर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था 7 जून संडे को। उसके बाद 8 जून को हमें डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है, उसके तरफ से इन्हें वेंटिलेटर्स पे रखना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इन्हें गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट कर लीजिए, तो 9 जून को हम लोगों ने इन्हें गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। उसके बाद 10 जून सुबह में गांधी हॉस्पिटल से हमें इन्फॉर्म किया गया कि राशिद अली ख़ान का इंतकाल हो चुका है। जब हम 11 बजे इनकी बॉडी कलेक्ट करने के लिए गांधी हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ इनकी बॉडी मिसिंग थी। उसके बाद हमने हॉस्पिटल अथॉरिटी से पूछा तो वो लोग हमें कॉपरेट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने एक 18 डेड बॉडीज चेक की, जिनमें से एक भी डेड बॉडी राशिद अली ख़ान साहब से नहीं मिल रही थी। मेरी अपील है केसीआर साहब, केटीआर साहब, जनाब अमजदुल्ला खान साहब से कि इनकी डेड बॉडी दिलाने में हमारी मदद कीजिए। मेरी अपील है कि इनकी डेड बॉडी तदफीन के लिए हमें दिलाने के लिए हमारी मदद कीजिए। जनाब अमजदुल्ला खान साहब, केसीआर साहब से मेरी अपील है कि मेरे मरहूम भाई राशिद अली ख़ान साहब की बॉडी दिलाने में मेरी मदद